मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मैंगो लस्सी। तो गर्मी का सीजन चल रहा है और इस समय हमें तरह तरह के मीठे आम बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, तो ये पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। रमाश्री की डिलीशियस रेसिपी को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। तो ये हमने मीडियम साइज के 2 पके हुए आम लिए हैं। मैंने इसे छील कर और छोटे टुकड़े में काट करके रख लिया है। और हमने कुछ आइस क्यूब लिए हैं। 250 ग्राम हमने दही लिया है और हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, पिस्ता और बादाम। मैंने इसे लंबे लच्छों में काट लिया है। आप अपने पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। 5 से 6 इलायची को मैंने पीस कर इसका पाउडर बना लिया है। और हमने लिया है शक्कर, इसे स्वाद अनुसार डालेंगे। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो लस्सी बनाने के लिए हमने लिया है ग्राइंडर जार। तो इसके अंदर हम आम के टुकड़ों को डाल देंगे। तो हमने 250 ग्राम पके हुए आम लिए हैं, तो 250 ग्राम इसके अंदर हम दही डालेंगे और इसके अंदर कुछ आइस क्यूब डाल देंगे और इसके अंदर मैंने पानी नहीं डाला है। अगर आप चाहें तो थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। तो इसके अंदर हम 4 चम्मच शक्कर डाल देंगे क्योंकि हमें 2 ग्लास लस्सी बनानी है, क्योंकि लस्सी थोड़ी मीठी ही पसंद आती है, अच्छी लगती है। तो इसके अंदर हमने 4 चम्मच शक्कर डाल दिया है। तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैंने लस्सी को ग्राइंड कर लिया है। तो आइए इसे हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी और बहुत ही अच्छी लस्सी हमारी बनकर तैयार हो गई है। मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला है। इससे पतली लस्सी बनानी है तो आप इसके अंदर और पानी भी डाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर। आपको जितना पसंद है आप डाल सकते हैं। इसे मिला लेते हैं। और इसे हम ग्लास में सर्व करते हैं। तो ग्लास में हम आइस क्यूब डालेंगे। आपको जितना ठंडा पसंद है आप डाल सकते हैं। तो इसे हम सर्व कर लेते हैं। और ऊपर से ड्राई फ्रूट से इसे हम गार्निश कर लेंगे। थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे और बादाम डालेंगे, थोड़ा सा इलायची पाउडर भी इसके ऊपर से डाल देंगे। और हमारे पके आम की ठंडी और टेस्टी लस्सी बनकर तैयार हो गई है। आप इस तरीके से लस्सी को बनाइए और इसे एंजॉय करिए। आप जब चाहे इसे बना सकते हैं। बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और पीने में बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।